एकदम टेस्टी दानेदार हलवा एकदम आसान तरीका से। नमस्ते, शीला के रसोई में आपका स्वागत है। आज चलिए आलू का हलवा बनाते हैं, व्रत में खाने वाली। इसके लिए आलू अच्छी क्वालिटी के लेना है, उबाल लिए हैं, ऊपर से छिलका जो है उसको उतार दिए हैं। उसके बाद आलू जो है एकदम हाथ से करिए, जिस तरह से करना एकदम मिक्स कर लेना है, एकदम गुठली आलू का न रहे। इसके लिए अच्छी तरह से आलू को बना लेना, एकदम टेस्टी और हेल्दी व्रत में खाने वाली हलवा आज बनाते हैं। मिक्स कर लिए, अब चलते हैं हम लोग गैस के तरफ। गैस जला लिए, पैन रख लिए। जब आलू का हलवा हम बनाते हैं, सिर्फ 4 चम्मच घी में हलवा तैयार होगा। मोटी वाली जो कढ़ाई होती है लोहा वाला, वो वाला लेना है, क्योंकि आलू का जब हलवा बनाते हैं तो नीचे से पकड़ने लगता है, या तो नॉन स्टील वाली कढ़ाई या पैन में बना सकते हैं। घी डालकर, घी गर्म हो गया, उसमें आलू डाल करके अच्छी तरह से आलू को भूनना है। आलू तो पहले से उबला हुआ है, एकदम जब आप खाइएगा तो लगेगा ही नहीं कि आलू का हलवा बना, एकदम दानेदार, एकदम खिलल खिलल हलवा रहेगा। आप व्रत में भी खा सकते हैं, ऐसे भी पौष्टिक होती है आलू और बच्चे लोग भी पसंद करेंगे, आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से भूनने के बाद जब अच्छी तरह से, देखिए पूरा लग रहा है कि आलू का कलर भी देखिए, जब आलू भुना गया है तो उसका कलर देख लीजिए कैसा हो गया है, एकदम पीला टाइप का हो गया। आपके पास केसर रहेगी तो दूध में मिक्स करके केसर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा से एकदम आलू का कलर देखिए कितना अच्छा लगता है देखिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम चीनी ऐड कर देते हैं। आलू पूरा भुना गया है, चीनी ऐड कर, आलू मेरा 300 ग्राम था तो 200 ग्राम चीनी दिए हैं। आप चीनी कम बेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हल्का सा इस तरह से चलाने के बाद चीनी थोड़ा सा पघलेगा, लेकिन आलू का हलवा जब बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं। पूरा आलू जो है अच्छी तरह से मेरा चीनी के साथ घुल गया है। देखिए पानी अब नहीं है, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास दूध है और उसमें दूध वाली जो मलाई होती है वो उसको ऐड कर देते हैं। अब दूध आप ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे 300 ग्राम आलू था तो 200 ग्राम आपके पास दूध रहेगा तो डाल दीजिए, या ताज़ा मलाई आपके पास ज़्यादा एक कटोरा होगा मतलब 100 ग्राम तो भी डाल सकते हैं। दूध नहीं भी रहे तो कोई बात, हमारे पास दूध और मलाई दोनों थी इसीलिए डाल दिए। डाल करके इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है गैस पर। पूरा वीडियो देखिएगा, अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग आलू का हलवा बनाते तो क्या मेरे तरीका से बनाते हैं कि कुछ और इसमें मिक्स करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर 1 चम्मच उसको ऐड कर दें। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स होगा, हमारे पास किशमिश और कागजी बादाम थी, वही कटिंग करके डाल दें। आपके पास जो भी आपको पसंद का ड्राई फ्रूट्स है उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, और 1 चम्मच ऊपर से घी ऐड कर दें। देखिए 4 चम्मच घी लगा है, 3 चम्मच उस समय डाले, 1 चम्मच अभी डाले। उसके बाद देखिए अब घी हलवा जो है मेरा पूरा तैयार हो गया, कहीं से आपको पानी नहीं दिखाई पड़ता, मैंने दूध अच्छी तरह से सूख गया है। चलिए अब इसको तैयार हो गया अच्छी तरह से, कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ता, तो चलते हैं गैस बंद करके सर्व करने के लिए। इस तरह से एक प्लेट ले लीजिए और हलवा डाल दीजिए। कमेंट करके बताइएगा हलवा मेरा कैसा लगा। हम तो चले खाने के लिए,